क्या नाम है? हैप्पी होली। मैं पावन। आपका? बिंदिया। बिंदिया, तो पावन और बिंदिया जो है इस साइड में होली खेल रहे हैं। मैं इस टाइम बाइक पे हूँ और अभी गांव के ना आखिरी कोने पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक क्लास फेलो है, वो रहता था, आज होली है तो वो इधर जानवरों के लिए ना चारा काट रहा है, तो देखते हैं कि वो कैसे काट रहा है और क्या कर रहा है। ए यार, होली के दिन भी घास काटते हो ना? सुबह नहीं है, उस गांव में भी होली मना रहे हैं, इस गांव में भी होली मना रहे हैं और 15 वाले गांव में भी होली मना रहे हैं। ये इस गांव के ये नहीं मनाते। ओहो ओहो, तो ये गाइस आ गए हमारे क्लास वाले जिसका मैं बात कर रहा था, तो जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली। गांव के इस साइड में ये जो है प्याज लगे हुए ऑनियन, और इस साइड पे ये जो है एक बहुत सा फूलों का एक पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत। इसका जो गांव का दूर से ना ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो मैं जो आया हूँ इधर और इसका व्यू ले रहा हूँ। बहुत ही सुंदर जो है ना, ये है इसकी लोकेशन। ये देख रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं रंग वगैरह फेंक रहे हैं, और ये है हमारे हिंदू भाई की छोटी सी दुकान। तो गाइस इस साइड पे देख रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाई का ये फार्म है। तो ये इधर जो है ये जानो, ये जो गांव माता है उनका फार्म बनाया गया है, और इस साइड में ये प्यारा सा मंदिर देख रहे हैं, और ये बच्ची जो है इनको रंग लगा है तो वो देख रहे हैं। बजा के दिखाओ थोड़ा सा। तो ये होली की जो है वो बधाई देने आई हुई है इधर, और यहाँ से जो है ये बनाया हुआ है, रंगोली बनाई हुई है होली की, और ये जो है प्यारा सा घर जो है होली के लिए सजाया गया है, जिसपे फूल जो हैं वो निकाले जाते हैं, ये सारे कच्चे होते हैं। और इस साइड में जो है प्यारा सा मंदिर जो है वो बनाया गया है, अब हम जाके इसके अंदर जाके आपको दिखाएंगे। तो ये जो है इस तरह से एक घर के अंदर ही ये जो है मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर जो पूजा वगैरह होती है। और इस साइड में आप देख रहे हैं पूजा की थाली पड़ी हुई है, और इसके अंदर का हम जाके आपको रिव्यू करवाते हैं। तो ये जो हैं अंदर आ चुके हैं हम मंदिर के, तो इधर जो है माता पार्वती और शिव भगवान, और इधर जो है एक पोस्टर लगा हुआ है साइड में माता काली का, हनुमान जी का, और इस साइड में ये देख रहे हैं ये प्यारा सा छोटा सा अंदर से जो है एक छोटा सा जो मंदिर है ये अपने घर के अंदर ही बनाया गया है। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी घर हैं उन्होंने सारों ने मिलकर एक बड़ा सा मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन एक जो है हर घर में एक छोटा सा पूजा का स्थान या मंदिर जरूर होता है हर घर में। तो ये जो है ये अंदर है, और इस साइड में जो भगवान गीता रखी हुई, इधर शंख रखा हुआ है, और इधर जो है पूजा का सामान, और इस साइड में जो है माता शेरवाली माता की मूर्ति है छोटी सी, और बाकी जो है इधर पूजा का सामान पड़ा। तो ये था खूबसूरत जो मंदिर। इस साइड में ये जो संगीत होता है भजन कीर्तन करने के लिए, ये जो होता है तंदूरा या बीना इसको कहते हैं, इस साइड में शायद भगवद गीता होगी। और ये जो है मंदिर के अंदर का आपने प्यारा सा व्यू देखा, और ये जो है प्यारा सा है मंदिर, और इसको जो कलर है वो रेड और येलो के साथ ये बहुत ही खूबसूरत, और दरवाज़ा जो वो भी मैचिंग जो है येलो के साथ इसको किया गया, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ से देखें तो फिरोजी कलर, और उसके ऊपर जो है फूल और पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत, और मज़ीद जो है इस साइड में जो कच्चे घर हैं इस मंदिर को चार चांद लगा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है इस कच्चे घर के अंदर ये खूबसूरत सा मंदिर। ये मेरी बैक साइड में प्यारा सा जो मंदिर और ये जो खूबसूरत घर बना हुआ था वो आपने देखा, और हम जो हैं जाएंगे जो विलेज की दूसरी घर में या दूसरी साइड में जाएंगे, उस साइड में भी हमें कोई खूबसूरत घर या मंदिर मिलेगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पे होली ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कलर जो है वो पानी के अंदर डाल के वो पानी फिर फेंका जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो ओरिजिनल इंडियन कलर होते हैं वो नहीं मिलते, तो फिर वो जो थोड़ा सा हल्का सा कलर ही जो है वो पानी में डालते हैं, तो पानी जो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वही पानी फेंकते हैं, और ऐसे ही फिर होली जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो घर हैं वो कच्चे हैं, मड हाउस हैं, और इस साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और इस साइड पे जो हैं वो खेत वगैरह हैं। कह रहा हूँ मिल तो लो यार, जय श्री राम। जय सर जी, की हाल चाल है? बड़ा खूबसूरत है, मुबारक हो ना तुम्हारे। हाँ, तो ठीक ठाक, शुक्र भगवान, सब ठीक ठाक।
तो गाइस इस साइड में देख रहे हैं, ये जो हमारे हिंदू भाइयों का मुकम्मल गांव था, आपने जो होली खेल रहे हैं वही देखे। और इस साइड में ये जो है ये शुगर कैन है, यानी कि गन्ना। और ये जो है ये जानवरों के लिए काट के लेके जा रहे हैं, तो ये जो है ये काट के जाएंगे और जानवरों को उनको जो है चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथ दिखाइएगा थोड़ा खूबसूरत। ये जो है मेहंदी लगाने की रात आ गई थी कल रात, तो आज मना रहे हैं होली। तो गाइस ये देखा आपने प्यारा सा व्यू, और मजीद हम चलते हैं गांव के मंदिर वाली साइड। तो गाइस ये देख रहे हैं गांव की जो है, उसी गांव के अंदर दूसरा मंदिर है, श्री ओम निमो शिवाय रामावीर। तो ये जो है बाबा रामदेव का जो मंदिर है वो बना हुआ, और ऊपर का ये इस तरह का व्यू है, और इसके अंदर जाकर हम देखते हैं। हाँ तो गाइस ये देख रहे हैं, इसको जो फिरोजी कलर किया गया, और जो डिफरेंस यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, और ये इस तरह से इसका गुंबद टाइप बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंदिर है ये। तो यहाँ पे जो है इकट्ठे हो गए, थोड़े से घर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होली की पूजा होती है उन्होंने इकट्ठे होकर यहाँ पे होली की पूजा की होगी। ये देख रहे हैं, और इस साइड में ये देख रहे हैं कच्चे घर, और इधर साइड में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं। इस साइड में देख रहे हैं कच्चे हाउस, और इस साइड में जो हैं बच्चे जो हैं होली का रंग लेके खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो बच्चे? ये क्या, दिखाओ ये क्या है? ये है रंग, होली खेल रहे हो? तो ये होली, क्या नाम है पावन आपका? बिंदिया। तो पावन और बिंदिया जो है इस साइड में होली खेल रहे हैं, और इस साइड में आप देख रहे हैं वो मंदिर, और इस साइड में ये जो है जानवर, और इस ये जो है ये गली है, और इस साइड में और जो बच्चे हैं वो भी होली खेल रहे हैं, और इस साइड में जो हैं, तो इस साइड में ये देखें घर को जो होली के लिए सजाया गया था। क्या नाम है? हैप्पी होली। तो गाइस इस साइड में देख रहे हैं हर तरफ जो है ना खूबसूरत घर जो है होली के लिए सजाए गए थे, और आज जो फाइनली होली खेली जा रही है। गाइस उधर देख रहे हैं, उधर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं हम पूरा गांव घूम के आ गए इस साइड पे जहाँ पे मेन होली खेली जा रही थी। तो मजीद हम जाके करीब से आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? होली आई होली। तो ये देख रहे हैं गाइस, ये होली खेली जा रही है और डांस भी साथ साथ हो रहा है। तो गाइस इस तरह से होली खेलते हैं, बस रंग में, पानी में रंग ही डाल के।